सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू एमडीज कुकिंग अरीना। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं ब्रेकफास्ट का स्टेपल आइटम, जो कि ब्रेकफास्ट में यूज़ होता ही है और आप इसको ऑर्गेनिकली कैसे घर में बना सकते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं जैम, जो कि बड़ी ईजी रेसिपी है। 3 इन्ग्रीडियंट्स हैं और आप कोई भी सीजनल फ्रूट, पीच, एप्पल, मैंगो, जो फ्रूट, स्ट्रॉबेरी, जो भी आ रहा है, आप उसका आराम से घर में बैठे हुए जैम बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। मेरा नाम है शेफ़ अहमद अमाद एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल एमडीज कुकिंग अरीना। जी तो ये देखें, मैंने मैंगोज़ ले ली हैं। आप कोई भी फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी सीजनल फ्रूट, ठीक है। 500 ग्राम ऑफ मैंगोज़, हमेशा 500 ग्राम से हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। 500 ग्राम हमारे पास मैंगो है। तो हमें जो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है शुगर और लेमन जूस, ठीक है। लेमन जूस जो है एक तो खटास देगा और प्रिजर्व करने में काम देगा, ठीक है। कोई भी जैम बनाने के लिए आपको जो है ना 56 ग्राम से लेके 136 ग्राम तक आपको शुगर रिक्वायर्ड होगी, कि वो चीज़ कितनी स्वीट है, ठीक है। अब ये मैंगो है, ये चौंसा मैंगो है, ये काफ़ी स्वीट होता है, तो इसमें जो हम शुगर कंटेंट है वो शुरू करेंगे 35-36-70 ग्राम तक हम मैक्सिमम लेके जा सकते हैं। मतलब कि ये बनते हैं कोई 3 to 5 टेबल स्पून तक आप इसमें शुगर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर यही एप्पल होगा या यही मैंगो जो है वो सिंदड़ी वाला मैंगो होगा, तो उसमें खटास ज़रा ज़्यादा होती है और मिठास थोड़ी कम होती है, तो उसमें जो हम शुगर है ना वो तकरीबन 136 to 150, मैक्सिमम 150 ग्राम, इससे ज़्यादा शुगर नहीं डालनी आपने, वो बहुत मीठा हो जाएगा। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इतनी ज़्यादा शुगर डालने के लिए। आई हैव हाफ के जी मैंगोज़ एंड मुझे इसकी बनानी है प्यूरी टाइप, इसको ब्लेंड करना है, ठीक है, विदाउट वाटर, वाटर नहीं यूज़ करना मुझे, ठीक है। तो मैं इसको ब्लेंड करूँगा अच्छे तरीके से शेक करके। जी तो दोस्तों ये देखें, अब मैंने एक सॉस पैन ले ली है, इसके अंदर ये देखें ब्लेंडेड 1/2 kg मैंगोज़ इसमें मैं डालूँगा, ठीक है। अच्छे तरीके से आप इसको जो है वो साफ़ कर लें अपने ब्लेंडर को। ये जो हमारी मैंगो जो प्यूरी है, इसको आपने साइडों से साफ़ करते जाना है और मीडियम फ्लेम से ऐसे हिलाते जाना है, ठीक है। अब इस पोजीशन में ये देखें, इसमें शुगर डालने जा रहा हूँ मैं। जी तो काफ़ी स्वीट मैंगो है ये, इसलिए मैं इसमें जो है 70 to 80 grams आप इसमें शुगर डाल सकते हैं मैक्सिमम। काफ़ी स्वीट चौंसा मैंगो है ये, ठीक है। अगर आपके पास सिंदड़ी मैंगो होगा तो 150 ग्राम फॉर 1/2 kg, ठीक है। ये देखें जो जैम है ना, इसकी जो स्वीटनेस है ना वो वेरी करती है स्वीटनेस ऑफ फ्रूट पे, ठीक है। जितना स्वीट फ्रूट होगा उतनी चीनी कम जाएगी, जितना स्वीट ज़्यादा फ्रूट होगा उतनी चीज़। अभी मैं आपको मैक्सिमम लेवल का स्वीट बता रहा हूँ, इसमें मैक्सिमम लेवल होता है एक आम में जो है ना, और वो भी चौंसा मीठा आम, उसमें सबसे ज़्यादा चीनी होती है, चीनी क्या मिठास होती है। तो आप जो है उसमें कम शुगर रखेंगे, मतलब आधा किलो में 70 ग्राम्स। देखिए चीनी किस तरीके से इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें जो है मैं जूस डालूँगा एक लीमू का, और इसको स्टर करता जाऊँगा, ठीक है। काइंडली पानी का एक कतरा भी ना इसमें ऐड करिएगा, ठीक है। इसको आपने ऐसे ही पकाना है, कोई भी पानी का कतरा ऐड किए बगैर, ठीक है। ये देखें 15 मिनट हो गए इसको लो हीट पे पकते हुए, और ये देखें कैसी इसकी शक्ल जो है वो अच्छी हो गई और कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप, ठीक है। 15 मिनट मैंने लो हीट पे इसको पकाया है, और ये देखें इसको चेक करने का तरीका, ये देखें ये आपने, ये देखें इसको जब नीचे करेंगे तो ये जो है नीचे पोर बिल्कुल एकदम से तेज़ी से पोर नहीं होगा, ये देखें बिल्कुल जो है ना अभी रुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो है इसकी कंसिस्टेंसी सेट हो गई है। इसी पोजीशन पे आप इसका चूल्हा बंद कर देंगे, थोड़ा सा आप इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। एयर टाइट आपने जो है शीशे के वो जार्स अगर आपके पास हैं तो ठीक है,
नहीं तो शीशे के शीशे की बर्नियाँ होती हैं घर में, वो आप ले सकते हैं, बिल्कुल उसके अंदर पानी ना हो, साफ़ हो बिल्कुल, ठीक है जी। तो ये देखिए हमारा जैम जो रेडी हो गया, इसको हम डालेंगे एयर टाइट कंटेनर में जी। तो मैं काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि जैम कैसे बना होगा, तो मैंने कैमरे से पहले ही लगा के जो है ना खाना शुरू कर दिया बिना किसी कलर के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, एडिटिव्स के। ये जैम जो तैयार हुआ है ना बिल्कुल नेचुरल, ठीक है। अगर कोई इसको डाइट जैम बनाना चाहता है या कुछ इसके अंदर इन्हेंसमेंट करना चाहता है तो वो हनी या स्टीविया का भी यूज़ कर सकता है, ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा जो जैम है ना वो रेडी हुआ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आती होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अंटिल देन अल्लाह हाफ़िज़।